श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आज की कथा ध्यान से सुनते हैं। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि अंधविश्वास कैसे फैलता है। एक चोर था, वो चोरी करते पकड़ा गया। वैसे तो उसने बहुत सारी चोरियां की पर कभी पकड़ में नहीं आया। एक दिन राजा के पकड़ में आया और राजा ने उसे सब उगलवाया और सब उसको कबूल करना पड़ा चोर को, कि मैंने कौन सी चोरी कहां की, क्या किया, सब बताया। राजा ने सोचा इस चोर के लिए क्या सजा रखूं, इस चोर के लिए क्या सजा मुकरर की जाए, और इसने बहुत सारी चोरियां की मेरे नगर में, इसलिए उसके लिए कोई स्पेशल कोई सजा दो। आगे वो चोरी कर ही ना सके, ऐसी कोई इसको सजा सुनाओ। सारे मंत्री संतरी सब जमा हो गए। एक मंत्री ने सलाह दी कि राजा इसकी नाक काट दो। क्या काट दो? नाक काट दो, और ये बाहर ही नहीं निकलेगा घर से, क्योंकि इसकी नाक कटी हुई होगी तो घर से कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा। हाँ, राजा ने कहा बात तो सही है, हाँ इसको यही सजा दो। और यूं राजा ने उसकी नाक कटवा दी। लेकिन चोर ने भी सोचा कि अगर ऐसे नाक कटवाकर मैं अपने नगर में घूमूंगा, शहर में घूमूंगा, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। उसने एक आइडिया की, ये भी नाक कटा था और इसका नाम पड़ गया नक कटा। लोग उसको चिढ़ाने लगे, नक कटा नक कटा। तो इसने एक बार लोगों से कहा, पता है मैंने क्यों नाक कटवाई है? इसने किसी को नहीं बताया कि राजा ने मेरी नाक काटी है। इसने लोगों को कहा, मेरे नाक काटने से मेरी कई इच्छाएं मुरादें पूरी हुई है, मेरी ये इच्छा पूरी हुई, मेरी ये मुराद पूरी हुई। पता है नाक काटने से ये इच्छाएं पूरी होती है, धन मिलता है, पैसा घर में आता है, प्रॉपर्टी मिलती है। कुछ भी इसने बताना शुरू कर दिया, क्योंकि इसने मन में ठान लिया कि मैं पूरे शहर की नाक कटवा के रहूंगा। और लोग वैसे ही अंधविश्वासी हैं, पैसा धन किसको नहीं चाहिए। प्रिय बंधुओं, एक बात बताऊं आपको, अगर हम रोज व्हाट्सएप पे अनाउंस करें ना कि ये करने से आपकी वो इच्छा पूरी होगी, वो करने से आपकी ये इच्छा पूरी होगी, तो आपका हम पे ज्यादा विश्वास होगा। हम कहेंगे ना, हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से शादी हो जाती है, हरे कृष्ण महामंत्र जपने से पैसा आता है, आप बहुत माला करने लगोगे। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उसकी नाक कट गई। उसने लोगों को कहा, तुम भी नाक कटा के देखो, देखो बहुत पैसा आएगा, पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, ठीक है। उस चोर के कहने पे एक व्यक्ति ने नाक कटवाई पर उसको कुछ नहीं मिला। वो आया चोर के पास, बोला तुझे मार दूंगा, मैंने अपनी नाक कटवाई, मुझे कुछ नहीं मिला, न पैसा न पत्नी न क्या। तब उस चोर ने उस व्यक्ति को सच सच बता दिया कि देखो सुनो, मैं ना असल में चोरी करता हूं, राजा ने मुझे पकड़ लिया, मेरी नाक काट दी। देख मैं कटा हुआ नाक कैसे शहर में घूमूंगा, मैंने सोचा मेरे जैसा भी कोई हो। अब देख हम शहर में दो जने हो गए, तू लोगों को कुछ मत बता, तू लोगों को वही बता जो मैंने तुझे बताया। मैंने तुझे कहा ना कि नाक काटने से ये मिलता है, वो मिलता है, वो मिलता है, पैसा पत्नी धन ये सब मिलता है, तू भी लोगों को बताना शुरू कर दे। उसने भी बताना शुरू किया। एक तीसरा व्यक्ति जिसने नाक काटी, मिला उसको कुछ भी नहीं, पर उस तीसरे व्यक्ति के भी कान भरे गए, उसका भी ब्रेन वॉश किया गया। अरे कुछ नहीं मिलता है, लोगों को खाली नाक कटवाओ। तीसरे ने चौथे को बोला, चौथे ने पांचवे को बोला, अंधविश्वास में लोग पड़ गए, किसी को कुछ नहीं मिला, राजा का आधा नगर नाक कटा हो गया, नक कटा हो गया। अरे लोगों के कहने पे मंत्री ने नाक काटी, मंत्रियों ने, राजा की सिपाहियों ने, बात राजा तक आ गई कि राजा, क्योंकि चोर का एक मकसद था कि मैं राजा की भी नाक कटवाना चाहता हूं, उसका मकसद यह भी था। और ऐसा हुआ कि राजा तक बात पहुंची। राजा ने कहा यह कैसी बात है,
कि नाक काटने से ये मिलेगा वो मिलेगा। राजा ने पूरी जांच पड़ताल की, अपने जो उसके खुफिया एजेंसी के लोग थे, राजा के गुप्तचर थे, सब ढूंढ ढांड के पता चला, अरे ये तो कोई चोर है जिसने ये सारी बात फैलाई थी। तब राजा ने अपने प्रजा को कहा, कितने मूर्ख हो, आज पता चला कि मैं मूर्खों का राजा हूं। आप ही इस चोर के कहने पे लगे, अंधविश्वास पे पड़े, और आप लोग भी अपनी नाक तक कटवा दी। यानी लोग कितने अंधविश्वासी है, जरा सोच लो प्रिय बंधुओं, क्या नहीं करते लोग अंधविश्वास में पड़ के। आपको अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, भगवान का नाम विश्वास है, अंधविश्वास नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का कोड वर्ड है हरे कृष्ण कोड वर्ड है।